दोस्तों, मैं आज आपको स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर दो बातें बताने जा रहा हूं। भारत में दो घटनाएं ऐसी घटी है जो सोचनीय और निंदनीय दोनों है। आप मेरे वीडियो को पूरा देखें तब आपको विस्तार से समझ में आएगा। आप मेरे चैनल को अगर अब तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल के नीचे लाल बटन को दबा दें, बेल दबा दें, जिससे आप सब्सक्राइब आपको हो जाएगा और आप नया नया वीडियो मेरा देखते रहेंगे। दोस्तों, भारत में आज आजादी का जश्न मनाया जा रहा था। दो बड़ी घटनाएं घटी जिस घटनाओं के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं। बड़ी विडंबना है इस देश में उन नेताओं के साथ जो इस देश को बर्बाद कर दिए हैं। अमित शाह जैसे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष झंडा फहराने जाते हैं और वो उल्टा रस्सी खींचकर झंडा जमीन पे गिरा देते हैं, क्या उन पर FIR नहीं होना चाहिए? उन्होंने देश के झंडे के साथ अपमानजनक काम नहीं किया। एक दूसरा घटना घटित हुआ कश्मीर के लाल चौक में, भारत के सपूतों ने झंडा फहराने के लिए गया, उसने झंडा फहराया, स्थानीय लोगों ने विरोध किया और पुलिस आ गई, फिर उन लोगों को उठा के लेके चला गया। क्या भारत के अंदर में भारत के रहने वाले लोगों को कहीं भी झंडा फहराने में पाबंदी? क्या है ये, क्या विडंबना है इस देश में? जिस कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी साझा सरकार बनाती है उसी कश्मीर में हमें झंडा तिरंगा नहीं फहराने दिया जाता है। जिस कश्मीर के फारूक अब्दुल्ला ने ऐलान किया पूर्व मुख्यमंत्री कि कश्मीर के लाल चौक पर हिम्मत है तो झंडा फहरा कर दिखाओ, देश के सपूतों ने हिम्मत दिखाया और लाल चौक पर झंडा फहराने का काम किया जिसे हटा दिया गया। आप साझा सरकार भी बनाते हो, आप भारत के सीमा की रक्षा भी करने की बात करते हो, आप जनता को एकता की पाठ पढ़ाते हो और आपके देश में आपके अंदर राज्यों में झंडा फहराने पर पाबंदी? वो फारूक अब्दुल्ला झंडा फहराने से मना करने का ऐलान करते हैं, जो फारूक अब्दुल्ला की बेटी की शादी सांसद सचिन पायलट के साथ हुआ है। भारत के लोगों को ये बहुत लोगों को पता नहीं होगा कि फारूक अब्दुल्ला अपने आप को मुस्लिम कट्टर नेता कहते हैं और अपने बेटी की शादी सचिन पायलट जो अभी सांसद वर्तमान में हम उनसे करते हैं। क्या है ये, क्यों धोखा दे रहे हो जनता को? तुम्हारे लिए हिंदू मुसलमान कुछ नहीं है, आम जनता के लिए हिंदू मुसलमान अगड़ा पिछड़ा नीचे ऊपर दलित बैकवर्ड सारा सिद्धांत दूसरों के लिए लाद दिया जाता है, क्यों धोखा देते हो जनता को? एक तरफ अमित शाह झंडा फहराते हैं तो झंडा फहराने उन्हें नहीं आता है और वो कहते हैं मैं देश के कर्णधार हूं, मैं देश को चलाऊंगा, मैं 19 में चलाऊंगा, 26 में चलाऊंगा, क्या है ये? ऐसे लोगों को गद्दी पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। मैंने पहले भी वीडियो में कहा था कि 60 साल के बाद नेताओं को रिटायरमेंट लेना चाहिए। आप नौजवानों से मैं अपील करना चाहता हूं कि 60 साल के बाद इन नेताओं को कह दे कि आप क्षेत्र छोड़ दो, कह दे कि आप कुर्सी छोड़ दो, कह दे कि आप गद्दी छोड़ दो, नौजवानों के हाथ में बीड़ा उठाने का नौजवान काम करेंगे। कश्मीर जैसे संवेदनशील जगह को आप आज तक सुधार नहीं सके। भारत में सरकार बनती है, सरकार का मैनिफेस्टो होता है, सरकार कहते हैं कि मुझे फुल बहुमत मिलेगा तो मैं देश को एक करूंगा, कश्मीर के मुद्दा को खत्म करूंगा। फुल बहुमत आपने पाया, आज तक आपने कुछ नहीं किया। भारत के उन सपूतों को मैं सलाम करता हूं जो लाल चौक में आज झंडा फहराने का काम किया, बाद में उन्हें रोक दिया गया, झंडा हटा दिया गया, जमीन में फेंक दिया गया। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के अमित शाह जो अध्यक्ष हैं, उनके हाथ से झंडा गिर जाता है। क्या है ये, क्यों विडंबना बनाया हुआ है, क्या विडंबना है ये? देश के अंदर में क्यों पब्लिक को धोखा दे रहे हो, क्यों जनता को धोखा दे रहे हो? लंबी लंबी बात करते हो मंच पर, एक झंडा नहीं संभाला जाता देश का तो क्या देश संभालोगे यार? तुम तो लोगों को ठग रहे हो,
तुम लोग तो लोगों को बेवकूफ बना रहे हो। एक झंडा देश का तिरंगा झंडा नहीं संभल पाता है। आप पे तो मुकदमा होना चाहिए, भारत के जनता को तो आवाज उठाना चाहिए कि अमित शाह पर FIR दर्ज हो। संविधान के मुताबिक झंडा का अपमान उन्होंने किया है। पूरे भारत के लोग ये जानो कि नेताओं के लिए हिंदू मुसलमान अगड़ा पिछड़ा कुछ नहीं है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने ब्राह्मण डॉक्टर लड़की से शादी करे थे। फारूक अब्दुल्ला की बेटी सचिन पायलट से शादी करते हैं। दर्जनों ऐसे उदाहरण हैं। उन लोगों के शादी ब्याह में कहीं कोई दिक्कत नहीं, कोई हिंदू मुसलमान सिख ईसाई नहीं है, दलित पिछड़ा आगड़ा कुछ नहीं है। और मुद्दा निकाल देते हो देश के अंदर में दलित पिछड़ा आगड़ा हिंदू मुसलमान और देश को तोड़ने का काम करते हो देश के दुश्मनों। ऐसे दुश्मनों से सावधान रहने की जरूरत है। आज मैं आजादी के दिन में ये ऐलान करता हूँ, भारत के जनता एक हुओ और एक होकर ऐसे दुश्मनों के कृत कार्य का विरोध करें जो झंडा नहीं संभाल सकते, जो देश के झंडा को फहराने का विरोध करते हैं, ऐलान करते हैं और अपनी बेटी की शादी हिंदुओं के यहाँ करते हैं। शर्म करो देश के दुश्मनों, गद्दी पर रहने का अधिकार नहीं है। दोस्तों मैंने आपको कई मोटिवेशनल वीडियो दिया, कई सच्ची सच्ची घटना हमने आपको बताया। आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं, मैंने पारदर्शिता के साथ हर बात को रखी, मैंने रखा है। मैं कोई भी पार्टी पॉलिटिक्स किसी का मैं विरोध नहीं करता। मैं सीधी सी बात जानता हूं कि जनता जागो, जनता को धोखा मत दो, नेताओं बेवकूफ बनाना बंद करो, जनता जाग जाए। आगे पीछे अगड़े पिछड़े ऊंच नीच की बात करके वोट बैंक की राजनीति करते हैं, ऐसे लोगों का विरोध होना चाहिए। दोस्तों आज का मुद्दा दो, कश्मीर में झंडा क्यों नहीं फहराया जाए, अमित शाह के हाथ से झंडा क्यों गिरता है, ये सोच का विषय है। आप सोचो, हमने बताया आपको, आपको अब सोचना है, आपको इस विषय में आवाज उठानी है। दोस्तों मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा, फ्री है, सब्सक्राइब करें लाल बटन दबाकर, कोई पैसा आपको नहीं लगता। कमेंट करें, लाइक करें, अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें कि देश के इन चाटुकारों की जानकारी लोगों को हो जाए जो लोगों को धोखा देना है। जय हिंद।